Hello, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and I am here to help you in your preparation of DGT English. Now, let's start the class. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास. और ये जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये आपके टीजीटी इंग्लिश और इसके अलावा बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन पैसिव वॉइस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहती हूँ. देखिए यहां पे आपका है एक्टिव और पैसिव. अगर आपने ये सीखा है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं तो आपने ये सीखा होगा कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं. ठीक है, इसी तरह से आप पैसिव से एक्टिव में चेंज कर लेते हैं. लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी आता है. जैसे आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्टिव सेंटेंस को आप एक पैसिव में से डिफ्रेंशिएट करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है या कौन सा सेंटेंस पैसिव है. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो चेंज करके आता है कि आपको एक्टिव का पैसिव बनाना है या पैसिव का एक्टिव बनाना है. तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो आप उनको सीखने से पहले थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी सीख लें. जैसे लिखा हुआ है यहां पे कि हैज या हैव या हैड. ठीक है, तो अब आपको पता होगा अगर हैज या हैव या हैड है तो इसका जो पैसिव है वो प्लस बीन से बनता है, यानी हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन बनता है. ठीक, और जो कॉमन चीज है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे समझाती हूं. सबसे पहले एक्टिव और पैसिव. ठीक, कैसे कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे भाई. देखिए अगर डू डज या डिड लिखा हुआ है तो हम इसे चेंज करते हैं, डिड को हटा देते हैं. सॉरी, केवल डू और डज की अगर हम लोग बात करेंगे, डिड को हम लोग हटा देते हैं. डू या डज है तो हम लोग इसको इज एम या आर में चेंज करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका डिड से है तो इसको हम वॉज या वर में चेंज करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है. अगर एक्टिव में डू या डज है तो इज एम आर, अगर डिड है तो वॉज वर. तो आप देख रहे हैं टेंस नहीं चेंज हो रहा है, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही है. डू डज भी प्रेजेंट है, इज एम आर भी प्रेजेंट है, डिड भी पास्ट है और इधर वॉज वर भी पास्ट है. ठीक, इसी तरह से आप तीसरा देखते हैं. अगर क्वेश्चन में इज एम आर दिया है तो प्लस बीइंग, प्लस बीइंग. ठीक है, और अगर क्वेश्चन में वॉज वर दिया हुआ है, वॉज वर, तो इसके लिए भी प्लस बीइंग. ठीक है, वॉज प्लस का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इज एम या आर में से कुछ भी दिया है तो इज बीइंग एम बीइंग या आर बीइंग में चेंज करेंगे, और अगर वॉज या वर दिया है तो वॉज बींग या वर बींग में चेंज करेंगे. ठीक है, इसके अलावा अब अगर हैज या हैव या हैड दिया है तो इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं, प्लस बीन, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में हम चेंज करते हैं. ठीक, और इसके अलावा अगर कोई मॉडल है, मॉडल समझते हैं, मॉडल यानी कि अगर कोई मॉडल है यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ठीक, या वुड या शुड, इस तरह की कोई भी. और एक और मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑट टू,
और टू, तो इन सब के लिए कॉमन क्या है? प्लस बी। यानी मॉडल अगर कोई भी आएगी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, विल बी, शुड बी, वुड बी लगाएंगे। अब जो सबसे सिंपल चीज है, जो सबसे कॉमन है सब में, वो क्या है? वो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमें सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है? तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसको आप ध्यान समझ लेंगे कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमको, और एक्टिव में अकॉर्डिंग टू टेंस, आपको जैसा भी आप टेंस यूज कर रहे हैं उस तरह से आपको यूज करना है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा है जो पैसिव वॉइस में नहीं है? अब आपको ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा पैसिव में नहीं है। तो आपको चेंज तो करना नहीं है यहाँ पे, तो अपने मन से आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उनकी मीनिंग को एलेबोरेट करना है और समझना है कि वो एक्टिव में है या फिर पैसिव में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत टफ नहीं। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एक्टिव वॉइस। इनमें कौन सा है जो एक्टिव वॉइस में नहीं है? अब एक्टिव में नहीं है तो किसमें होगा? पैसिव में होगा, ठीक है? तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा एक्टिव में नहीं है, ठीक। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपका कैसे आएगा भाई? ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए वॉइस में। वॉइस का तीसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा, ठीक। ये आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस है मान लीजिए, और उसके आगे ये लिखा होगा कि इट्स पैसिव। इसका जो पैसिव है विल बी, अब विल बी के बाद में ए बी सी डी, ये चार पैसिव दिए होंगे। मतलब एक सेंटेंस पर्टिकुलर है, इसका पैसिव क्या होगा? ए बी या सी या फिर डी। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि हमें एक क्लू मिलता है, एक सेंटेंस होता है, हमें उसी का पैसिव बनाना है। तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में होगी, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन में ये सब चीजें नहीं दी होती, तो वहां पे क्या दिया होता है? सिर्फ सेंटेंस, और उस सेंटेंस पे हमको ये देखना होता है कि यहाँ पर हमको ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, ठीक है? यानी एक ही सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव दोनों वहां पे नहीं दिया होता है। तो ऐसे में बेटा आप कैसे ध्यान करेंगे भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। देखिए, इट कैन बी डन बाय यू, ये आपके द्वारा किया जा सकता है। गुड मार्क्स विल बी गॉट बाय देम, She might raise this objection. वो इस objection को उठा सकती है। The door may be opened by him. Door उसके द्वारा open किया जा सकता है। तो देखिए, अगर पूछा गया है is not in passive, passive में नहीं है, तो इसका मतलब है active हमें देखना है। अब देखिए, पहले में लिखा था can be done, पहले में यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, can be done, तो can be आपका passive हो गया। दूसरे में देखिए लिखा है will be got, ये भी passive हो गया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मे बी ओपेंड, ये भी पैसिव हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, सी इज द राइट आंसर। शी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन, वो इस ऑब्जेक्शन को उठा सकती है, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? माई ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर्ड बाई यू, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन,
द मदर लैंड शुड बी लव्ड। देखिए, माई ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर्ड बाई यू, मेरे ऑर्डर को आपके द्वारा ऑर्डर कर देना चाहिए, जरूर कर देना चाहिए। तो अब देखिए बेटा, पहले में लिखा हुआ है मस्ट बी, पैसिव हो गया, और थर्ड फॉर्म भी है मस्ट बी ऑर्डर्ड, ठीक है। दूसरे में देखिए क्या लिखा है, टू बी भी पैसिव है, टू बी टेकन ये भी पैसिव हो गया। इसके बाद इसमें देखिए शुड बी, शुड एक मॉडल है, बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म भी आगे लिखी लव्ड, शुड बी लव्ड। तो ये तीनों आपके पैसिव है और आपको एक्टिव बताना था, तो एक्टिव हो गया ऑप्शन नंबर, कहां गया भाई, ऑप्शन नंबर सी, हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, ये आ गया आपका, ठीक, ये हो गया आपका हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव हमको फाइंड आउट करना है, ही इज नोन टू एवरीबडी, उसे सभी जानते हैं। अब लिखा है ही, एक्टिव बताना है, यहाँ पे लिखा है ही इज नोन, तो ही इज नोन का क्या मतलब होगा भाई, ही इज नोन तो ये आपका पैसिव हो गया। डू डस को जब हम इज एम आर में लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई, इज नोन, ये हो गया आपका पैसिव। योर हेल्थ वरीज मी, आपकी हेल्थ मुझे परेशान करती है। आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं टू सी द मूवी, मैं इंटरेस्टेड हूं। एंड आई एम अलार्म्ड, अलार्म्ड मैं अलार्म्ड हूं एट योर बिहेवियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, कि पहले में ही इज नोन टू एवरीबडी, उसे सभी जानते हैं, ये भी पैसिव हो गया, वो किसी को नहीं जानता। योर हेल्थ वरीज मी, आपकी हेल्थ मुझे वरी करती है। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अलार्म्ड, ये दोनों आपके देखिए इज एम आर लगाया, आई एम इंटरेस्टेड ये भी पैसिव है, आई एम अलार्म्ड मैं अलार्म्ड हूं ये भी आपका पैसिव है। बट योर हेल्थ, यहाँ पे देखिए योर हेल्थ वरीज मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जहां से स्टार्टिंग हुई है वो सब्जेक्ट है, आपकी हेल्थ मुझे वरीज करती है। अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता और इसका ये लिखा होता कि आई एम वरीड, फिर आगे लिखा होता आई एम वरीड, जैसे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अलार्म्ड, ही इज नोन, वैसे ही आई एम वरीड, तो ये पैसिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, योर हेल्थ वरीज मी, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका जो है ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, इनमें कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर वन, लेट हिम रीड अ बुक, उसे किताब पढ़ने दो, मुझे पैसिव ढूंढना है इन चारों में से, तो पहला है मुझे, सॉरी उसे किताब पढ़ने दो, दूसरा क्या है भाई, ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, हमेशा स्कूल समय से पहुंचो। फिर है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मेरे लिए एक ग्लास वाटर लाइए, ये सीधी सीधी बात है ना बेटा। और लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क, हम ये भी कह सकते थे गिव द सैलरी, यानी सैलरी दो, जब हम ये कहते हैं कि सैलरी दो, तो देखो बेटा यहाँ पे ऊपर हम समझते हैं इसको, अगर हम ये देते हैं सैलरी, सैलरी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और देने वाला व्यक्ति कौन है, यू। अगर हम यू से सेंटेंस को बनाते हैं और हम कहते हैं गिव द सैलरी टू दोस क्लर्क या टू दिस क्लर्क, मतलब सैलरी दीजिए, यानी कौन दे रहे है, यू, तो ये आपका सीधा सेंटेंस एक्टिव में हो जाता। लेकिन हमने कहा सैलरी मिलनी चाहिए, यानी हमारे लिए यू हो गया सेकेंडरी और सैलरी हो गई प्रथम, सैलरी ऑब्जेक्ट है, तो लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क, तो ये देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी गिवन, तो इससे भी पता चल रहा है ये पैसिव है, और इससे भी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेट द सैलरी, तो ये आपका डी नंबर हो गया पैसिव, ठीक है, लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क। अगला देखेंगे, फाइंड आउट द पैसिव वॉइस, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वॉटर, मेरे लिए एक कोल्ड वॉटर, एक ग्लास ठंडा पानी लाइए, ठीक है, ब्रिंग मी, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वॉटर, ये तो आपका पहला हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा देखिए, गिव सैलरी टू दीज क्लर्क्स, इन क्लर्क्स को सैलरी दीजिए, ठीक। अब देखिए ऑलवेज रीच टू द रीच द स्कूल इन टाइम, हमेशा पहुंचिए स्कूल टाइम से, और इट इज रिक्वेस्टेड टू, अब देखिए सेंटेंस को कितना घुमा के बोला गया है, इट इज रिक्वेस्टेड टू, यानी ये रिक्वेस्ट की जा रही है टू लेट मी स्लीप नाउ, तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया पैसिव, इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट मी, ये आपका पैसिव हो गया लेट से बनने में, ठीक है।
क्योंकि बाकी में सीधी सी बात, ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपका सीधा सीधा सा लिखा था प्लीज ब्रिंग मी, कृपया मुझे पानी दीजिए, कृपया उन्हें सैलरी दीजिए, ये स्कूल समय से पहुंचे, यहाँ पे इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप नाउ, ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइसेस। आप यहाँ पे ए बी सी डी फोर ऑप्शन है एंड यू हैव टू सेलेक्ट द पैसिव वॉइस। टेल हिम टू लीव द रूम, उससे कहो, देखो मीनिंग समझो बेटा, टेल हिम टू लीव द रूम इसका मतलब हो गया उससे कहो कि कमरा छोड़ दे, सीधी बात है ना, कमरे से नहीं कहा कि कमरा छोड़ दिया जाना चाहिए, रूम से तो नहीं स्टार्ट किया, उससे कहो, सीधा है। म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड हर, म्यूजिक से शुरू किया गया, अगर ये पैसिव होता तो यहाँ पे हैज के साथ में एक चीज लगी होती, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर पैसिव होता तो हैज के साथ में कौन सी एक चीज जुड़ी होती है, हैज के साथ हमेशा बीन लिखा होता हैज बीन लिखा होता, तो यहाँ पे हैज बीन तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका एक्टिव है, पैसिव नहीं। दूसरा, योर हेल्थ वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी यानी आपकी हेल्थ मुझे वरीज करती है, वरी करती है, परेशान करती है, चिंतित करती है। और अगला, आ रिप्लाई हैड टू बी सेंट बाय मी, बिल्कुल पैसिव साफ समझ में आ रहा है, अगर आप बाय मी से देखेंगे तब भी समझ में आएगा, या एक उत्तर हैड टू बी सेंट बाय मी, हैड टू बी, देखिए टू बी और फिर ये आपका हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सर्च आउट द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को सर्च करना है, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अब देखिए ये बेटा सीधी बात तो कही गई है ना, प्लीज सिट डाउन, सीधी बात है, मोहन वॉज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, देखिए गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस यानी अच्छी जो न्यूज है वो भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज, गुड न्यूज को, तो एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, वी यानी वी को होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक, और क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, गुड न्यूज, तो गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब आपका सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, नो, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, नो, यहाँ पे कहा जा रहा है गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, तो गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, इज प्लस थर्ड फॉर्म और बाय तो आगे लगा ही है, सो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड यानी कि सी इज द राइट आंसर, नंबर जो सेंटेंस नंबर सी है इज द इज इन पैसिव वॉइस, और लास्ट को भी एक बार पढ़ेंगे, शैल वी परचेज अ बुक, क्या हम एक बुक परचेज करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है शैल वी परचेज, अगर बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया होता तो पैसिव हो सकता था, बट ये एक्टिव है, तो पहला दूसरा और चौथा एक्टिव है, हमें सर्च आउट करना था पैसिव को, तो जो थर्ड है यानी सी गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज, अब यहाँ कहां से कहां तक हमको ध्यान पढ़ना है, यहां से पढ़ना है जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, इतना पढ़ना है ना, क्योंकि इतना देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज भी है आपका, ठीक, जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू, और कौन फोर्स थ्रू कर रहा था, जैक, और किसको कर रहा था, क्राउड को, तो अगर इसका पैसिव बनेगा तो क्राउड वॉज बीइंग फोर्स्ड होगा, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए, पहला पढ़िए, पहले में लिखा हुआ है जैक वॉज बीइंग फोर्स्ड, हो नहीं सकता, क्राउड वॉज तो हो सकता है बट क्राउड वॉज फोर्सिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर जैक वॉज फोर्सिंग लिखा है तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना जैक वॉज फोर्सिंग, वॉज ING, तो हम इसमें क्या करेंगे, वॉज बींग या वर्बिंग लगाएंगे, तो क्राउड वॉज बींग होना चाहिए, इसलिए इसलिए आपका जो ये वाला है भी, ये भी गलत है। फिर है द क्राउड फोर्स्ड, बिल्कुल नहीं, और चौथा है द क्राउड वॉज बींग फोर्स्ड, क्वेश्चन में वॉज ING था, बींग लगेगा, और कौन था, द क्राउड वॉज बींग फोर्स्ड बाई जैक, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझेंगे, कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि यहां से तो सेंटेंस सही है, द क्राउड वॉज हमने पढ़ा, द क्राउड वॉज हमने पढ़ा, बी और डी दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन द क्राउड वॉज के बाद फोर्सिंग लिखा है, अगर पैसिव बनेगा तो वॉज के बाद अगर आई एनजी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपके आई एनजी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम पैसिव में क्या करेंगे, बींग प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे चौथे में लिखा है द क्राउड वॉज बींग फोर्स्ड बाई जैक, दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ ही वॉन्ट्स टू बाई अ बुक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ही वॉन्ट्स टू बाई अ बुक, वो एक बुक खरीदना चाहता है, इसका पैसिव, तो देखिए वो एक बुक खरीदना चाहता है,
तो क्या चीज खरीदी जानी चाह रही है, यानी कि बुक। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक। तो इसका पैसिव बुक से बनेगा, ही से नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट, वो चाहता है एक बुक, बुक टू बी बॉट यानी बुक खरीदी जाए, तो ये तो पैसिव हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अ बुक इज बॉट, बुक खरीदी नहीं गई है, केवल लिखा है ही वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, वो बुक खरीदना चाहता है। सेकंड में लिखा हुआ है बुक खरीदी गई है, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है अ बुक इज वॉन्टेड, बुक चाही जाती है टू बाई, नहीं, ये तो गलत है भाई। ही वॉन्ट्स टू बी बॉट, वो चाहता है टू बी बॉट, अब टू बी बॉट का मतलब पता है क्या हो गया, वो खुद खरीदा जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी बॉट कि उसे ही लोग खरीद लें, तो वो ये नहीं चाहता कि उसे लोग खरीद लें, बिल्कुल गलत है, वो चाहता है कि किताबें लोग खरीदें, ही वॉन्ट्स ए बुक टू बी बॉट, बुक टू बी बॉट होगा, पर्सन टू बी बॉट नहीं होगा। सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका जो सी था ये गलत था, जो डी था ये भी गलत था, और ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, पीपल से द फॉक्स इज कनिंग, पैसिव वॉइस, द पीपल से लोग कहते हैं कि फॉक्स कनिंग है, देखिए लोग कहते हैं कि फॉक्स कनिंग है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, कह रहा है द फॉक्स इज बीइंग कनिंग, नो, द फॉक्स इज सेड सेड टू बी कनिंग, यानी जो फॉक्स है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कनिंग है। अगला देखिए, द फॉक्स सेज दैट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि फॉक्स कुछ कह ही नहीं रही है, क्वेश्चन में लिखा है द फॉक्स सेज, फॉक्स कहती है, फॉक्स कुछ नहीं कह रही, क्वेश्चन में लिखा है पीपुल से, तो जहां पे मीनिंग सेंटेंस की चेंज हो रही होती है वहां पे हमें बिल्कुल उस विकल्प को छोड़ देना है क्योंकि वो ऑप्शन कभी भी सही आंसर नहीं होता। नेक्स्ट, पीपुल सेड दैट, ये भी गलत है क्योंकि पीपुल सेड का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पीपुल से दैट, क्या लिखा था देखिए यहाँ पे, पीपुल से लोग कहते हैं, तो पीपुल सेड नहीं हो सकता, फॉक्स सेज भी नहीं हो सकता, द फॉक्स इज सेड, फॉक्स के बारे में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, टू बी कनिंग, सो बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट, द फॉक्स इज सेड टू बी कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अस दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे, एक्टिव वॉइसेस, अब इसका हमें एक्टिव बताना है, तो पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस की मीनिंग को ध्यान से समझेंगे, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस, ये हमारे द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ही वुड बिहेव इन सच अ वे कि वो ऐसे बिहेव करेगा, हमारे द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था मतलब कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर लिखा इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस तो इसका मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल सीधा सा है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है लिखा हुआ है वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम, बिल्कुल सही है। फिर भी हम आगे वाले को पढ़ते हैं एक बार, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट, इसमें कहीं भी वी को मेंशन नहीं किया गया है, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड और इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ये खुद पैसिव है, ठीक है ना, हमको एक्टिव बताना है, तो ये तो आपका जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया रॉन्ग, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम। अब ये और आपका ये जो पहला वाला लिखा हुआ है इसमें क्या गलत है भाई, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आपके कंपटीशन में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, आप देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में बहुत छोटा सा फर्क है, उसमें एक्सपेक्ट लिखा है इसमें एक्सपेक्टेड लिखा है, डिड नॉट के साथ डू या डिड या डज हमेशा V3 का यूज करते हैं, तो एक्सपेक्टेड तो हो ही नहीं सकता, सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। नेक्स्ट, वी वर नॉट एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्टेड नहीं थे, ये तो खुद ही पैसिव है, सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। अब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस, ऐसा हमारे द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, मीन्स वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच बिहेवियर ऑफ यू, उसके ऐसे व्यवहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल बी ओबलाइज टू गो एक्टिव, अब ये एक्टिव बताना है, ये तो पैसिव है क्योंकि शैल भी लिखा हुआ है, अब अगर एक्टिव होगा तो उसमें
एटलीस्ट बी तो नहीं आएगा। तो पहला देखिए, एक आपका जो ऑप्शन है बी नंबर, उसमें लिखा है विल बी ओबलाइज, ठीक, तो विल बी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर शैल भी दिया है तो इसका जो एक्टिव बनेगा वो विल बी या शैल बी से नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो खुद ही पैसिव हो जाएगा, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब बाकी को हम पढ़ते हैं। आई शैल बी ओबलाइज टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ेगा, तो सरकमस्टेंस ओबलाइजेस मी, पहला, और तीसरे में है सरकमस्टेंसेस शैल गो, शैल गो, परिस्थितियां नहीं जाएंगी भाई, परिस्थितियां हमें ओबलाइज करेंगी जाने के लिए, बट परिस्थितियां जाएंगी नहीं। तो ये जो लिखा है सरकमस्टेंस विल गो या सरकमस्टेंस शैल गो, दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। सरकमस्टेंस विल ओबलाइज, परिस्थितियां ओबलाइज करेंगी, मी माने मुझे, टू गो माने जाने के लिए, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सरकमस्टेंस विल ओबलाइज मी टू गो, तो यहां पे हम इसको यहां से समझेंगे। एक छोटा सा इसमें एक क्लू हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था शैल बी, ठीक, तो इसमें बी पैसिव में आया है, एक्टिव में तो नहीं आएगा। तो हमने देखा कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी था, इसमें लिखा हुआ था कि विल बी ओबलाइज, ये लिखा था, तो इसलिए इसको तो हमने पहले नंबर पे क्रॉस कर दिया। अब सरकमस्टेंस अगर लिखा है आई शैल बी ओबलाइज, तो कौन ओबलाइज करेगा, मैं ओबलाइज हूंगा, यानी परिस्थितियां मुझे ओबलाइज करेंगी, हम शैल बी को शैल और विल में ही तो रखेंगे। तो यहां लिखा है सरकमस्टेंस ओबलाइजेस मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कभी नहीं हो सकता। सरकमस्टेंसेस शैल गो, सी ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है सरकमस्टेंसेस शैल गो, सरकमस्टेंसेस नहीं जाएंगी, वो ओबलाइज करेंगी, तो सरकमस्टेंस विल ओबलाइज मी टू गो, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबडी, बहुत मुश्किल है हर किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है, सही भी है, हर किसी को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। तो देखिए, इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, हमको पैसिव बनाना है ना, तो टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करना, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करना, तो पैसिव में हो जाएगा सेटिस्फाई होना, तो टू बी सेटिस्फाइड। और यहां देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इट इज हार्ड, मुश्किल है फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, प्रत्येक व्यक्ति का सेटिस्फाइड होना बहुत मुश्किल है, करेक्ट लग रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी टू हैव सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि टू हैव आपका एक्टिव ही होता है, टू हैव एक्टिव होता है, अगर टू हैव बीन होता तो पैसिव होता, तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये रॉन्ग है। सी में एवरीबडी इज हार्ड टू हैव, फिर ये टू हैव आ गया बेटा, ये भी गलत है आपका, ठीक, टू हैव एक्टिव होता है, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, ये तो कहा ही नहीं गया है भाई कि एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, ये तो मीनिंग ही नहीं है, सेंटेंस की मीनिंग थी कि हर किसी को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, यानी मुश्किल क्या है, हर किसी का सेटिस्फाइड होना मुश्किल है, ठीक है, इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस, अब एक्टिव देखना है हमें, आफ्टर सर्चिंग मी, ढूंढने के बाद, मुझे ढूंढने के बाद में द पुलिस सेट मी फ्री, मुझे ढूंढने के बाद पुलिस ने मुझे फ्री कर दिया, पुलिस ने मुझे फ्री कर दिया। अब देखिए, आफ्टर सर्चिंग मी, ढूंढने के बाद मुझे पुलिस ने क्या कर दिया, मुझे पुलिस ने फ्री कर दिया, अब ये एक्टिव है ना, पुलिस ने कर दिया तो पुलिस सब्जेक्ट होगी, और मुझे फ्री किया गया तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, देखिए मी बाद में आया, पुलिस पहले आया, फिर भी दूसरा देखते हैं, आफ्टर हैविंग बीन, हैविंग बीन आ गया तो पहले ही पैसिव आ गया, और दूसरी चीज और इस सेंटेंस में आगे देखते, लिखा था आई वॉज सेट फ्री, आई वॉज सेट फ्री, मुझे फ्री कर दिया गया, यानी जो यहां पे लिखा हुआ है इसको फ्री किया गया है, इसने नहीं किसी को किया है, यानी ये सेंटेंस तो पैसिव है, ये सेंटेंस क्या है, साफ साफ पैसिव है, और हमें एक्टिव ढूंढना था, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। लेट इट बी डन, जितने भी ये इट बी डन, ये भी पैसिव हो गया ना, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम तो एक्टिव ढूंढ रहे थे। यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग, यू आर एडवाइज्ड टू डू समथिंग, यू आर सजेस्टेड टू डू समथिंग, ये सारे पैसिव के पैटर्न है। तो आफ्टर सर्चिंग मी, मुझे ढूंढने के बाद,
पुलिस सेट मी फ्री, पुलिस ने मुझे फ्री कर दिया। तो ये था आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इसका क्वेश्चन था आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना। आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एक्सपेक्टेड यानी मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये कार्य समय पर हो जाए। अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है तो ये तो एक्टिव हो गया, ये तो पैसिव नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो, आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड, अब यहां पे जो लिखा है टू बी फिनिश्ड, ये तो पैसिव हो सकता है ना, वर्क टू बी फिनिश्ड कार्य पूरा हो जाए। अब देखिए, आई एस एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया हिम माने उसे, टू कम हियर एट द राइट टाइम, ये तो सेंटेंस में ऐसी चीजें बता रहा है जो कहीं मीनिंग में नहीं आ रही। आई एक्सपेक्ट हिम, मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो आए और काम को करे, तो ये तो सीधी बात है ना, एक्टिव सेंटेंस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया, ये भी नहीं हो सकता। तो आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड, कार्य को फिनिश किया जाए, कार्य फिनिश हो ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे जो बी है वो है आपका, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लॉफ्ड, मैंने अपने आप को क्या पाया, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया बींग लॉफ्ड एट, लॉफ के बाद हमेशा एट लगाते हैं, ठीक है, लॉफ्ड एट बाय द बॉयज, यानी बॉयज लॉफ कर रहे थे किसके ऊपर, मेरे ऊपर, तो ये तो पैसिव लिखा हुआ है। आई फाउंड माई सेल्फ बींग लॉफ्ड एट बाय द बॉयज, इट्स एक्टिव वॉइसेस। अब देखो थोड़ा सा ही फर्क है सब में, अगर आपके पास चार विकल्प आएंगे तो चार में से कोई दो तो आप पहचान लेते हैं कि ये गलत है, लेकिन कोई दो ऐसे होते हैं जिनमें से एक सही होता है और एक सही के बहुत नियर होता है। तो आपको यही फर्क सीखना है कि जो सही के नियर है वो सही नहीं है, ये बात आप सीख लें। तो पहला है आपका आई फाउंड द बॉयज लॉफिंग, अब देखो आई फाउंड द बॉयज लॉफिंग कि मैंने क्या पाया कि बॉयज लॉफिंग कर रहे थे, ठीक। दूसरा देखो, आई फाउंड द बॉयज बींग लॉफ्ड, बींग लॉफ्ड तो बॉयज बींग लॉफ्ड ये तो अपने आप में पैसिव है, जितना मैंने सर्किल में लिया है ध्यान से देखेंगे, बॉयज बींग लॉफ्ड ये तो पैसिव हो गया और हमें एक्टिव देखना है, तो बी नंबर तो बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, द बॉयज वर लॉफिंग एट मी, बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे, ठीक। और अगला देखो, द बॉयज फाउंड मी लॉफिंग, बच्चों ने मुझे हंसते पाया। देखो यहां पे मीनिंग ही चेंज हो गई बेटा, यहां से देखेंगे हम लोग, लिखा है बॉयज फाउंड मी लॉफिंग, लड़कों ने मुझे हंसते पाया, तो ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ और निकल रहा है, यहाँ पे था मैंने ये पाया कि लड़के मुझ पे हंस रहे थे। तो बी और डी तो बिल्कुल गलत है। अब दोनों में क्या फर्क है इसमें ए और सी में, आई फाउंड द बॉयज लॉफिंग एट मी, मैंने ये पाया कि बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, और द बॉयज वर लॉफिंग एट मी, बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, दोनों लगभग है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है आई फाउंड, जो कि पहले में दी है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर वन। ये आपका वन इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वो ये चाहता है कि लोग उसे सर बोले, तो इसका पैसिव क्या होगा, पहले आप मीनिंग को समझ लीजिए, वो चाहता है कि लोग उसे सर बोले, सर कहकर उसे बोले। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन लिखा है सर इज लाइक्ड बाय हिम, सर लाइक किए जाते हैं, सर लाइक नहीं किए जाते, ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है, बिल्कुल गलत है। सर कॉल्स हिम पीपल, सर उसे लोग बोलते हैं, कोई ना सर लोग बोलते हैं ना लोग सर बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं, बस ये लिखा गया था क्वेश्चन में कि उसे पसंद है कि लोग उसे सर बोले, तो ये दो की तो मीनिंग ही चेंज है। अगला है पीपल लाइक हिम, लोग उसे पसंद करते हैं, एंड कॉल सर, और उसे सर कहकर बोलते हैं, पीपल कॉल हिम, पीपल लाइक हिम, उसे लोग पसंद करते हैं और सर कहके बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लोग उसे सर कहके बोलते हैं, बल्कि लिखा है उसे पसंद है कि लोग उसे सर बोले। तो ये जो सी नंबर है ना, इसका मीनिंग बेटा देखिए कितना डिफरेंस है, सी में लिखा है पीपल लाइक हिम, लोग उसे पसंद करते हैं और उसे सर बोलते हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि लोग उसे पसंद है कि लोग उसे सर बोले, बोलते नहीं है, दोनों बातों में बहुत फर्क है।
अब चौथा देखेंगे, चौथे में लिखा है ही लाइक्स, उसे पसंद है, वो पसंद करता है टू बी कॉल्ड, पुकारा जाना सर के नाम से. ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर. क्लियर? दिस इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट, आई एम टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं. आई एम टू हेल्प यू, आपकी हेल्प के लिए. तो इसका पैसिव देखिए, अब पहले में लिखा हुआ है यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है. जब कभी ऊपर एक क्वेश्चन में ही आपके एक सेंटेंस हो और उसके आधार पे आपको आंसर बताना है तो हम उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे. मैं आपकी मदद के लिए हूं, तो इसका पैसिव ये नहीं होगा यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की. नहीं, यू आर हेल्प्ड बाय मी, यानी कि आपकी मदद की गई मेरे द्वारा. यहाँ पे किसी ने किसी की मदद नहीं की है. क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है मैं आपकी मदद के लिए हूं, ना तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि मैंने आपकी मदद की, ना तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपने मेरी मदद की. तो यू हेल्प्ड मी ये भी गलत है, यू आर हेल्प्ड बाय मी ये भी गलत है. अब सी नंबर पे आते हैं. ठीक है, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी, यू आर टू बी हेल्प्ड, आप हेल्प के लिए हैं बाय मी, और आई एम टू बी हेल्प्ड बाय यू. क्वेश्चन पहले समझ लेंगे क्या लिखा था. आई एम टू हेल्प यू यानी मैं हूं तुम्हारी मदद के लिए, तो यू आर आप हो, टू बी हेल्प्ड हेल्प करने के लिए, टू हेल्प लिखा हुआ था और टू हेल्प को किस में चेंज करेंगे, टू बी हेल्प्ड में. और क्वेश्चन जो आपका था उसका सब्जेक्ट कौन था, उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट था आई, तो ऑब्जेक्ट बन के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा यहाँ पे बाई मी, बाई मी हो जाएगा. तो यू आर टू बी हेल्प बाई मी, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो ये जो आपका डी है ये रॉन्ग है, याद रखेंगे. नेक्स्ट, बाई वॉट वर यू मेड हैप्पी, बाई वॉट मीन्स किस चीज के द्वारा, वर यू मेड हैप्पी आप खुश हुए. तो इसका एक्टिव क्या है, वॉट मेड यू हैप्पी या वॉट वॉज मेड हैप्पी. देखिए वॉट वॉज मेड क्या बनाया गया, तो ये तो भाई कहीं से अर्थ ही नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल गलत है. वॉट वॉज मेकिंग यू, अगर वॉट वॉज मेकिंग यू का ये ऊपर पैसिव होता तो वहां पे वॉज बींग मेड लिखा होता, जो कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. वॉट वॉज मेड क्या बनाया गया, क्या बनाया गया नहीं, अगर क्वेश्चन में था बाई वॉट वर यू मेड हैप्पी यानी किस चीज के द्वारा आप खुश हुए, तो इसका मतलब वो किस चीज ने आपको खुश किया, वॉट मेड यू हैप्पी. क्वेश्चन नंबर वन यानी सॉरी ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, वॉट मेड यू हैप्पी, दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज सेलिंग वेल, ये जो बुक है ये अच्छी तरह से सेल हो रही है. तो दिस बुक इज सोल्ड वेल. अब इज सेलिंग अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है इज सेलिंग, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब हमें पैसिव बनाना है, तो इज सेलिंग का पैसिव इज सोल्ड तो नहीं होता है ना, बींग से बनेगा, इतना तो आप समझ लीजिए. इज एम आर या वॉज वर प्लस आई एन जी अगर है तो पैसिव हमेशा किससे बनता है, पैसिव हमेशा बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है. तो दिस बुक इज सोल्ड वेल, ये बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट, दिस बुक इज बींग सोल्ड वेल, ठीक, ये जो किताब है ये अच्छी तरह से बिक रही है. तो इसमें हालांकि इसमें बींग सोल्ड लिखा है और बींग सोल्ड पैसिव हो सकता है, फिर भी आप आगे एक चीज पढ़ते हैं इसमें. इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो थी वो हुई थी दिस बुक से, किससे हुई थी, दिस बुक से, यानी ये किताब अच्छी तरह से सेल हो रही है. तो इसका पैसिव दिस बुक से नहीं बनेगा, क्योंकि जो बुक है ये तो एक आपका सब्जेक्ट है, तो पैसिव बुक से नहीं बनेगा, दिस बुक से शुरू है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज बीइंग सोल्ड. अब सी नंबर ऑप्शन पे हम चलते हैं. सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सेलिंग ऑफ द बुक, बुक की जो सेलिंग है इज बीइंग वेल, दिस इज द राइट आंसर. ओके,
ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है। अगर लिखा हुआ है दिस बुक इज सेलिंग वेल, ये बुक अच्छी बिक रही है, तो सेलिंग ऑफ द बुक इज बीइंग वेल ना। व्हाट इज वेल, क्या चीज अच्छी है? सेलिंग ऑफ द बुक, नॉट दिस बुक, सेलिंग ऑफ दिस बुक। तो सेलिंग ऑफ द बुक इज बीइंग वेल, और लास्ट में है दिस बुक वॉज सोल्ड वेल। तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉज सोल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास, जिसमें हमने आज डिस्कस किया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू। Thank you.